क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन ऑल पार्टनर बिकम इनसॉल्वेंट, पेज नंबर 238। ओके चलो, आज हमने पहले क्या किया, फॉर्मेट नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि बिना क्वेश्चन पढ़े फॉर्मेट नहीं बनाने का है ना। तो अभी ये जो क्वेश्चन है, इसमें सारे पार्टनर क्या हो रहे हैं, इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, जितनी भी लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी है, उसका अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पहले देख लेते। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मैसेस राणे काने एंड माने एज ऑन 31 मार्च 2019। फर्नीचर डेटा स्टॉक ये सब कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में जाएगा। कैश, कैश अकाउंट हम लोग बनाएंगे। कैपिटल में किसका, माने का है, तो माने का कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। फिर लाइबिलिटी साइड में देखोगे तो राणे काने हैं, तो इनका कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। फिर सन्डरी क्रेडिटर्स, यहाँ पे आउटसाइड लाइबिलिटी एक ही है, सन्डरी क्रेडिटर्स 80,000, तो हमें अलग से इसका लेजर बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग कहाँ पर शिफ्ट नहीं करेंगे, इसकी पोस्टिंग कहाँ पर नहीं करेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में नहीं करेंगे। फिर उसके बाद राणेज लोन है, ये राणे कौन है, पार्टनर है, पार्टनर्स का लोन दिया तो हम लोग को क्या करना होता है, अलग से मालूम है, रियलाइजेशन के नीचे हम लोग अकाउंट बना देते हैं, या तो वो करो या तो सीधा इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो ये जो क्वेश्चन इन लोगों ने सॉल्व किया है, सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, तो उस तरीके से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा देखते हैं आज, ठीक है। ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर्स, इनएबिलिटी मतलब क्या, ये लोग एबल नहीं है कि क्रेडिटर्स को पे कर सके, ठीक है। द फॉर्म इज डिसॉल्व, काने माने कैन नॉट पे एनीथिंग, काने माने कुछ नहीं ले गया। मालूम है ना तुम लोगों को कि जब पार्टनर क्या हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी बेचा जाता है और जो भी बन पड़ता है वो लोग क्या करते हैं, बिजनेस को बिजनेस में लेके आते हैं, है ना। इंसॉल्वेंट पार्टनर के पास से कलेक्शन किया आपने ऐसा, ठीक है। तो काने माने तो कुछ नहीं दे पा रहे, लेकिन राणे कैन कॉन्ट्रीब्यूट ओनली 3,000 फ्रॉम हिज प्राइवेट इस्टेट। राणे कितना लेके आ रहा है अपने घर से, 3,000 रुपया लेके आ रहा है। स्टॉक रिलीज 30,000 कहाँ आएगा, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में। डेटर्स रिलीज 32,000, फर्नीचर सोल्ड फॉर 2,000। यहाँ पे तीनों भी एसेट्स के अगल बगल में किसी भी पार्टनर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और कैश बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000, सिंपल है ये, क्या करेंगे इसका, डेबिट साइड में, ठीक है, टू कैश बैंक और कैश बैंक के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। सर आप लोगों को ओरली याद हो गया, वेरी गुड। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द फॉर्म बुक्स ऑफ द फॉर्म, बहुत ही सिंपल सम है। ओके तो स्टार्ट करें, फॉर्मेट हो गया रेडी। सबसे पहले हम लोग एसेट्स को पोस्ट करेंगे, फर्नीचर 6,000, डेटर्स 40,000 और स्टॉक 48,000, 94,000। इससे कितनी इफेक्ट होगी, कितनी इफेक्ट होगी इसकी, एक इफेक्ट होगी, है ना, कंफ्यूज है। ओके अगला क्या, कैश, कैश और बैंक की जरूरत, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 2,000। फिर कैपिटल है माने का, माने किधर है, ये ना एसेट साइड में डेबिट साइड में लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है कैपिटल, 20,000। फिर नेक्स्ट है कैपिटल, लाइबिलिटी साइड वाला इधर ही आके बतिया लेना। अच्छा कहाँ था ये, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था, 10,000 और 6,000, राणे 10,000, 6,000, ठीक है। ओके संडी क्रेडिटर्स हमने बनाया हुआ है क्योंकि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, 80,000। राणेज लोन, देखो पार्टनर्स का लोन है तो हमें क्या करना चाहिए, पार्टनर्स का लोन अकाउंट हमें बनाना चाहिए, या फिर हमें क्योंकि सारे पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो गए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कहाँ पे पोस्ट करेंगे, लाइबिलिटी आइटम है ना, कितनी इफेक्ट होगी,
के आसपास कितनी इफेक्ट होगी, एक इफेक्ट होगी, है ना। तो कहाँ लिखेंगे, कहीं पे भी लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखना है, चाहे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखो, या फिर क्या करो पार्टनर्स लोन का नया अकाउंट बनाओ, ठीक है। रहेगा कहाँ, वो क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो रानेज लोन है, देखो ये ना राने, लेकिन ये राने क्या है, कैपिटल है या लोन है, ये राने क्या है, capital. ये कैपिटल है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल में कभी भी कैपिटल नहीं लिखने का, तो मैं अभी यहाँ पे राने लिख रहा हूँ, बट ये राने क्या है, ये राने क्या है, लोन है, ठीक है। कितना है ये, 20,000, ठीक है। चलो ये पोस्टिंग हो गया, अब आगे क्या है, ड्यू टू इनएबिलिटी ये हमने पढ़ लिया था, काने माने कैन नॉट पे एनीथिंग, राने कैन कंट्रीब्यूट ओनली 3,000 फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। राने पैसे लेके आ रहा है, तो राने क्या होगा, गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या आ रहा है अपने पास, कैश में लिखो, कितना, 3,000। इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी बोलो, कैश और बैंक के डेबिट साइड में, टू रानेज कैपिटल, कितना, 3,000, ठीक है। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, आगे देखो, अभी स्टॉक रिलीज, कुछ एसेट्स के नाम दिए, स्टॉक है, डेटर्स है, और क्या है, फर्नीचर है, बट यहाँ पे किसी पार्टनर्स का नाम नहीं दिया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय एडजस्टमेंट में एसेट्स रहेगा, तो बाय कैश में, फिर एसेट्स का नाम लिखो, देखो क्या है, स्टॉक कितना है, 30,000। इसका मतलब क्या होता है मालूम है तुम लोगों, ये मैंने स्टॉक लिखा इसका क्या मतलब है, स्टॉक लिखा, कैश लिखा, इसका क्या मतलब है, कि स्टॉक हमने बेचा कितने में, 3,000 में, उसका पैसा हमको मिला, बाय कैश मतलब कैश डेबिट है, डेबिट व्हाट, करेंसी, ठीक है। डेटर्स कितना है, 32,000, कौन सा थाउजेंड, 32,000, और उसके बाद कौन है, फर्नीचर है, फर्नीचर कितने बिका, 2,000, टोटल कितना हो गया, 60, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, तो उसकी कितनी इफेक्ट होगी, दो इफेक्ट होगी, ये क्या बाय, तो अभी क्या होगा, टू, किस में, रियलाइजेशन अकाउंट, 64,000 एसेट्स, ठीक है। कोई शक नहीं, आपने कर लिया क्या साइन, एडजस्टमेंट, ओके। अगला क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, कहाँ लिखेंगे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, टू कैश बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितना, 6,000, ठीक है। इसी की, इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, टू है, तो क्या हो जाएगा, बाय, किसके, कैश बैंक के, बाय क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कितनी, 6,000। आज उनका एडजस्टमेंट आएगा ना, पता क्या कर रहे थी, पहले देखो कि आपके पास पैसे कितने हैं और आपको आउटसाइडर को देना कितना है, यहाँ पे कितनी लाइबिलिटी आउटसाइड में, दो ही है ना, गुड मॉर्निंग, एक ही है, ठीक है, क्रेडिटर्स है ना। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे हमारे पास कैश कितना है, आपको लगता है कि हमारे पास सफिशियंट कैश है, क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, 80,000, कितना हमारे पास है, ये आया और ये गया, कितना है हमारे पास, 69,000 है ना, ये है डेबिट मतलब हमारे पास कैश है, क्रेडिट मतलब हमारे पास कैश नहीं है, जा चुका है, कितना, 6,000, तो बचा कितना, 63,000 बैलेंस है हमारे पास, कैश है, क्या करेंगे, पे कर सकते हैं क्रेडिटर्स को पूरा, पूरा नहीं, लेकिन जो है वो तो पे कर सकते हैं ना, पार्टनर्स का कैपिटल भी तो बाकी है, तो पार्टनर्स का कैपिटल पहले पे करें या पहले आउटसाइडर को पे करें, पहले आउटसाइडर को, हाँ मतलब तेरे घर पे मेहमान आएगा ना, सुन तो सही,
तो तू ना पहले खुद ही खा लेना, बाद में उनको खिलाना है ना, ठीक है? ओके, तो क्या होगा, क्रेडिटर्स को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स क्या होगा, रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि क्रेडिटर्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो इसके डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू, क्या पे कर रहे हो इसको, कैश पे, कितना कैश है आपके पास, 63। अब बाकी का पैसा इसको पे कर सकते हो क्या बाद में, नहीं पे कर सकते हो ना, क्यों, क्योंकि फॉर्म क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया और पार्टनर्स क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है? तो क्या होएगा, इधर 80,000 लिखो, इधर कितना लिखोगे, 80,000 माइनस करो कितना आ रहा है, 17,000, ये किधर जाएगा, जिसका कोई नहीं उसका डेफिशिएंसी है, ठीक है? फिर डेफिशिएंसी किधर लिखा, क्रेडिटर्स के डेबिट में, तो डेफिशिएंसी के कौन से साइड में आएगा, अभी क्रेडिट साइड में, बाय क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना, ये दो इफेक्ट हो गया, आ समझ में, आउटसाइडर को हमने पे कर दिया। कभी कभी क्या होते हैं, मतलब दो अगर आउटसाइडर रहेंगे और हमारे पास कम कैश है, लेट मैं तुमको आज बताता हूँ, क्योंकि कल के क्वेश्चन में वैसे ही कुछ रहेगा, लेट मेरे पास है ना, मेरे को बिल्स टेबल पे करने का है और क्रेडिटर्स को पे करने का है ना, बिल्स टेबल पे करना मेरे को 10,000 और क्रेडिटर्स को पे करना 20,000, और मेरे पास खाली 15,000 ही है, तो मैं किसको पे करूँ, क्रेडिटर्स को पे करूँ या बिल्स टेबल को पे करूँ, तो क्रेडिटर्स बुरा मान जाएगा कि भाई तेरे पास पैसा तो मुझे दे पहले, है ना, और क्रेडिटर्स को दिया तो बिल्स टेबल बोलेगा मेरा पैसा, तो दोनों झगड़ा करेंगे, किससे, मुझसे यानी फर्म से, तो आपके ऊपर जो अगर लाइबिलिटी है तो आप कैसे पे करोगे, यू हैव ओनली वॉट 15,000 और आपको पे कितना करना है 30,000, तो कैसे पे करोगे, तो इनका रेशियो निकालो पहले, अभी क्रेडिटर्स यहाँ पे अकेला है तो जो पैसा था हमने सब इसको दे दिया है ना, लेकिन जब दो जन आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इनका रेशियो निकालना पड़ेगा, तो रेशियो क्या आ रहा है, 1:2, 10,000 और 20,000 है ना, कितना हो रहा है, 1:2, अभी 15,000 को 1:2 में कैसे बांटोगे, 1+2 कितना होता है, 3, इसको 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 5 कितना आएगा, 5 और 5 2 कितना आएगा, 10, तो आपको आपके पास जो 15,000 है उसमें से क्रेडिटर्स को कितना पे करोगे, 10,000 और बिल्स पे उसको कितना पे करोगे, ऐसे भी सब आते हैं, ठीक है? कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, बैंक लोन था लेकिन किसके अगेंस्ट में था, स्टॉक के अगेंस्ट में था, तो स्टॉक बेचा तो उसका जो पैसा सीधा पहले क्या पे किया, बैंक लोन पे कर दिया, तो वो वैसे ही निपट गया, फिर बचा गया क्रेडिटर्स, जो पैसे बचे हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिए, है ना, है कि नहीं, जो पैसे बचे। आज के केस में क्या है, क्रेडिटर्स अकेला है आउटसाइड लायबिलिटी, तो इजीली हमने क्या किया, पे कर दिया, हमारे पास जो कैश था डेबिट माइनस क्रेडिट, जो हमारे पास कैश था वो हमने क्या किया, पे कर दिया, है ना। बट कभी अगर ऐसा आया कि दो लायबिलिटी और दोनों का, दोनों इक्वल इम्पोर्ट, इक्वली मतलब उनका वेटेज क्या है, इक्वल है, तो उनको कैसे पे करोगे, उनके रेशियो में, उनका रेशियो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो वैसे भी सब सर होगा, टेंशन नहीं। ओके, ये हो गया। अच्छा, ये डेफिशिएंसी तो दो बार हो गया, लेकिन क्रेडिटर्स में डेफिशिएंसी लिखा, डेफिशिएंसी में क्रेडिटर्स लिखा, बट कि कैश की कितनी इफेक्ट दिया हमने, खाली एक ही दी, तो ये अभी कैश बैंक में 2 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, कैश बैंक में बाय होगा, और ये कौन सा अकाउंट है, तो क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना, 63, ठीक है, ये हो गया। अब देखोगे ना, ये टैली हो जाएगी, 69,000 यहाँ पे कितना आएगा, 69,000, और ये क्रेडिटर्स ऑटोमेटिक कैरी हो। अब क्या करोगे बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट को सॉल्व करोगे, यहाँ पे कितना हो रहा है, 1,00,000, यहाँ पे खाली 64 है, यहाँ पे कितना लिखोगे, 64 और 36 कितना होता है, 1,00,000 होता है, ठीक है, 64 प्लस 36, तो क्या हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, लॉस, क्या लिखोगे यहाँ पे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है, राने, काने और माने, ठीक है,
इनका रेशियो दिया है क्या क्वेश्चन के अंदर? इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इफ रेशियो इज नॉट गिवन, तो रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तीन जन को 36,000 बांटना है, कितना कितना आएगा? 111 तो आएगा, अमाउंट कितना आएगा? 12,000। 12 तीजा कितना होता है? 36 होता है। स्मार्ट गाय, ठीक है, हो गया। इसके सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगी? बाय तो क्या हो जाएगा अभी? पार्टनर्स कैपिटल में 2। कौन सा अकाउंट है ये? रियलाइजेशन अकाउंट। 12,000 और 12,000, ठीक है। अब हम लोग किसको टैली करेंगे? अभी पार्टनर्स को। इनसे अभी फाइनल सेटलमेंट में पैसे मिलने वाले हैं क्या? या इनको हम पैसे देने वाले हैं? वी आर हू? वी आर फर्म, है ना, वी आर बिजनेस। हमारे सारे पैसे तो खत्म हो गए, जो बचे थे हमने किसको पे कर दिया? क्रेडिटर्स को। अब हम इनको दे भी नहीं सकते और इनसे ले भी नहीं सकते, क्योंकि ये भी क्या हो गया? भूखे नंगे हो गए, मतलब इंस्टॉलमेंट हो गए, ठीक है। ये कितना हो रहा है? 30,000। यहाँ पे कितना लिखोगे? 33। 12 गया तो 21। क्या लिखने का इधर? डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है। फिर इधर 12, इधर कितना? 6। तो टोटल में कितना लिखोगे? 12 6 गया तो 6 6 12 हो गया ना। यहाँ पे माने में कुछ नहीं है। 32 यहाँ पे भी क्या आएगा? कुछ नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या लिखोगे? 32,000। बाय क्या लिखोगे? बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, ठीक है, ओके। तो 2 डेफिशिएंसी का क्या हो जाएगा? बाय। और बाय का क्या होएगा? 2। तो ये 2 डेफिशिएंसी किसके कॉलम में? रानी के कॉलम में। तो बाय क्या आएगा? रानीज कैपिटल अकाउंट 21,000, ठीक है। फिर यहाँ पे बाय का क्या होगा? 2। ये किसका कॉलम है? कानेज कैपिटल अकाउंट 6,000। और 2 ये कौन है? मानेज कैपिटल अकाउंट कितना? 32,000, ठीक है। अब हमारा सम राइट है या रॉन्ग है, ये कैसे डिसाइड करेंगे हम? डेफिशिएंसी शुड बी टैली, मस्ट बी टैली, ठीक है। तो 21 और 17 कितना होता है? 32,000 टैली, ठीक है, कर लो ये।